खाना में डाल होगा, तड़का होगा, चना होगा, सब भाजी होगा, पनीर भट्टा होगा, चिकन होगा, मच्छी होगा। यहाँ पे जो है कि रोटी से कार आया है और वहाँ पे जो है कि हमारा अंडा भुजी तैयार हो रहा है। खाना कैसे मिलता है? खाना अच्छा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नई व्लॉग में। आज जो है कि हमारा ट्रिप है रायपुर छत्तीसगढ़ से केंदुझर उड़ीसा का, और अभी हम जो है कि ढाबे में आए हैं। इस ढाबा को जो है कि पहले भी हमने अपने ब्लॉग में लेके आया था, लेकिन आज का ब्लॉग जो है पर्टिकुलर ढाबा को लेके रिलेटेड में, ढाबा का ही जो है कि जो भी यहाँ पे खाना मिलता है, क्या सिस्टम है, कैसा है, बनाने का साफ सफाई है नहीं, सब कुछ जो है कि ढाबा के बारे में हम दिखाने वाले हैं। आप देख रहे हैं ढाबा जो है कि कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ढाबा है जो है कि इधर पे चौकी वगैरह लगा हुआ है, इधर पे टेबल लगा है। चौकी पे बैठ के खाना होगा, चौकी पे भी बैठ के खा सकते हैं, टेबल पे खाना चाहेंगे टेबल पे। यहाँ पे बेसिन है, और इस ढाबा को जो है कि मैं ब्लॉग में पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, और इस बार जो है कि इस ढाबे में दूसरी बार हो रहा है। आप सभी को वो मेनू तो मैंने दिखा दिया है, आज जो है कि सब कुछ डिटेल्स में दिखाएंगे। हाँ बताइए दादा, क्या क्या है खाना? खाना में डाली होगा, तड़का होगा, चना होगा, सब भाजी होगा, पनीर भट्टा होगा, चिकन होगा, मच्छी होगा। और सब कुछ जो है कि अभी ताज़ा बना के देंगे, है ना? तो खाना में जो है कि जो भी ताज़ा बनने वाला है जो है कि भैया बता दिए हैं ऑर्डर, जो तो बाकी मेनू भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आप सभी को। ये मेनू है, तड़का है, दाल फ्राई है, चना मसाला है, पनीर, चिकन, रोटी, चाय, सेव भाजी, राइस, एग राइस, चिकन राइस, पराठा, डबल अंडा भुजी, डबल अंडा ऑमलेट। बाकी रेट भी है, आप जो है कि इसको पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ अंदर में जो है कि किचन है, बहुत ही साफ़ सुथरा ढाबा है, और हम जो है कि अक्सर इस रोड से जब भी गुजरते हैं तो इसी ढाबा में जो है कि आते हैं। दोस्तों तो हम जो है कि आज खाएँगे अंडा भुजी, सूखा अंडा भुजी और रोटी खाएँगे। दोस्तों तो है जो है कि हम चौकी पे ही खाएंगे, चौकी पे बैठ के खाने का जो है कि ना एकदम आनंद कुछ और आता है, जैसे लगता है कि घर पे। और अभी सुबह का लगभग 10:30 बज रहा है, इसलिए जो है कि इतना कस्टमर्स नहीं है, ड्राइवरों का एक्चुअली खाना खाने का जो समय होता है वो 12:30 से 1:30 बजे के बीच में जो है कि होता है। तो अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन हमें इसी ढाबा में खाना खाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी आज जो है कि खा रहे हैं। ऑर्डर हो चुका है, खाना लग रहा है। जब तक हमारा ऑर्डर लग रहा है तब तक आप बाहर का नज़ारा देख लीजिए, ढाबे की बाहर का कुछ इस तरह से नज़ारा है। बगल में हाईवे है और पूरा जो है कि फूल वगैरह लगा हुआ है ये सब, और ऐसे कुछ इस तरह से सामने जो है कि टायर का दुकान है। बहुत ही सुंदर जगह है, माने कि अगर कोई खाना खाने बैठ रहा हो, अगर खाना खाने आए हैं और ऐसे फूल वूल देखने का हरा भरा मिले, साफ़ सुथरा जगह हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाना खाने में भी, और एकदम खुल के जो है कि खाना भी खा सकते हैं। नहाने का भी व्यवस्था है, हम भी आकर के यहीं नहाए। ब्लॉग में सब कुछ ऐड नहीं किया हूँ जो है कि मैं डायरेक्ट नहाने के बाद ही, क्योंकि मुझे बस ढाबा के बारे में एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे जो है कि रोटी से कार आया है और वहाँ पे जो है कि हमारा अंडा भुजी तैयार हो रहा है। किचन भी आप किचन के अंदर का भी पोजीशन देख सकते हैं जो है कि पूरा साफ सुथरा है। बहुत सारे ढाबा होते हैं ना, बहुत सारे ढाबा जो होते हैं वो इतना साफ नहीं होते हैं, और किचन में ना अलाउ भी नहीं करते ज़्यादा लोगों को आने जाने का या फिर वीडियो ऐसे बनाने का। और जो भी, और मैं जो है कि यहाँ पे सडनली आया हूँ, सडनली आकर के मैं ऐसे ही हूँ ब्लॉग जो है कि बना रहा हूँ, ये भी नहीं कि कुछ प्रिपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों तो हमारा खाना जो है कि आ चुका है, रोटी और अंडा भुजी। जो है कि अकेला होना इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है कि बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर फ़ोन पकड़ करके मैं नीचे रख के बना रहा हूँ तो भी पूरा नहीं आ सकता। तो आप देख लीजिए एक बार, अंडा भुजी है, रोटी है, रोटी का साइज़ देख सकते हैं, तावा रोटी है बहुत ही बढ़िया, और चटनी है, प्याज है, नमक वगैरह है। दोस्तों जैसे कि खाना बहुत ही बढ़िया बनता है यहाँ पे, चाहे कुछ भी खाओ
बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और गर्मा गर्म तुरंत ही बना के देंगे। आज जो है कि अंडा भुजी ट्राई किए हैं और भी इससे पहले हम आए थे तो सेव भाजी ट्राई किए थे, बहुत ही बढ़िया बना था उस दिन भी। दोस्तों तो खाना जो है कि कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन जो है कि बता देता हूँ। कोलकाता मुंबई नेशनल हाईवे है, रायपुर गया रायपुर संबलपुर NH 49 कंटाला पलहड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट अंगुल ओडिशा। और इस ढाबा का बारे में मैंने सब कुछ दिखा दिया, बहुत अच्छा खाना मिलता है। आप जब भी आना इस रूट से अगर गुजरेंगे आप तो एक बार वेट रुक करके खाना। तो चलिए ब्लॉग का एंड करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। उस्ताद जी खाना खा लिया है? अच्छा खाने पहले कभी खाए थे इस ढाबे में? खाना कैसे मिलता है? खाना अच्छा मिलता है? तो उस्ताद जी हैं, इनसे भी फीडबैक जो है कि मिल गया है, खाना जो है कि अच्छा मिलता है। वैसे मैं तो हर जब भी इस रूट से गुजरता हूँ यहीं पे खाता हूँ, तो मेरे को तो बेस्ट लगता है। और आप सब भी इस होटल को प्रिपेयर कर सकते हैं जो है कि मैंने एक्जैक्ट लोकेशन जो है कि डाल दिया। ओके बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।